दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको MI पोको M2। ठीक है, पोको जैसे F1 होता है तो ये पोको M2 है। ठीक है, सौमी का ये पोको M2 है, तो सौमी का पोको F1 होता है तो ये पोको M2 है। इस मॉडल को हम अनलॉक करेंगे अनलॉक टूल से। और कैसे अनलॉक करेंगे आप यहाँ पे वीडियो पे देखें। सबसे पहले आपको मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आपको पहले इसमें टूल सेलेक्ट करना होगा। कौन सा टूल सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे आपको MTK सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सामने नजर आ रहा है MTK, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप मीडियाटेक क्लिक करेंगे वहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सॉरी तीन ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, मेटा मोड का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद MTK यूनिवर्सल का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक करना है। फ्लैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्वर पर चेक लगाना होगा। सर्वर पर चेक लगाने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये Xiaomi कंपनी का मोबाइल है तो आपको यहाँ पे Xiaomi सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप बारी आती है मॉडल नंबर का। ठीक है, तो जो मॉडल है आपका, जैसे कि Xiaomi का पोको F1 है, M2 है, M3 है, तो ये M2 मॉडल को हम अनलॉक करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पोको M2 मॉडल को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब बारी आती है इसे अनलॉक करने का। आपको अनलॉक करना है, क्या करना है आपको, गूगल अकाउंट है, पिन लॉग है, पैटर्न लॉग है या MI अकाउंट है। अगर पैटर्न लॉग है तो आपको फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करना है। अगर आपको FRP है तो FRP नीचे वाले इरेजर FRP पे क्लिक करना है। अगर आपका MI अकाउंट है तो आपको यहाँ पे रिसेट MI क्लाउड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद मोबाइल का वॉल्यूम प्लस माइनस कंटिन्यू सेम टाइम प्रेस करना है आपको। उसके बाद केबल लगाना है। जब आपका मोबाइल बूट करेगा वॉल्यूम प्लस माइनस आपको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको अनलॉक करने में प्रॉब्लम होता है तो इसमें मैं आपको बता दूं, एक लीव USB ड्राइवर के नाम से ड्राइवर है, जो अगर वो ड्राइवर नहीं रहेगा तो आपका मीडियाटेक आप मोबाइल बूट करने में प्रॉब्लम होता है। ऑथेंटिकेशन बाईपास जो है वो ओके अगर नहीं लिखता है आपका, ठीक है, ऑथेंटिकेशन बाईपास जो है वो अगर आपका फेल लिखता है तो समझ लीजिए आपको लीव USB ड्राइवर का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यही कंडीशन था किसी कस्टमर के कंप्यूटर में, जो कि मैंने उसे सॉल्व किया और मोबाइल को मैंने अनलॉक कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये टूल खरीदना है तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर शो कर रहा है, आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस टूल को खरीदने के लिए। और आप हमारी वेबसाइट पे भी खरीद सकते हैं xmanan24.com पे। ठीक है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।